नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान आरएएस जो मेंस का सिलेबस है उसमें आधुनिक विश्व के इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस पर चर्चा करेंगे और जल्दी ही आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोज भी अपलोड कर दिए जाएंगे। ये उन टॉपिकों में शामिल है जिनका ऐसे लोग व्यक्ति जो या फ्री दे चुके होते हैं या मेंस में कुछ अंकों से रह चुके होते हैं पहले, उन लोगों के लिए तैयारी का मेथड ये होता है कि जब वैकेंसी नहीं आ रही होती है तो पहले वे लोग उन टॉपिक्स की तैयारी कर लेते हैं जो प्री और मेंस में कॉमन नहीं है। ऐसे टॉपिक की तैयारी कर लेते हैं जो प्री और मेन में कॉमन नहीं है। यदि अपन ऑल आवर सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में लगभग 23 सेगमेंट में सिलेबस बंटा हुआ है। जैसे हिस्ट्री की अपन बात करें तो हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, तो तीन पार्ट में ये बंटा हुआ है। और मॉडर्न हिस्ट्री के बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को यदि पढ़ना हो तो चार सेगमेंट हो गए। इस तरीके से आरएएस मेंस का सिलेबस 23 सेगमेंट में बटा हुआ है। आप देखेंगे कि प्री और मेन में 12 या 13 टॉपिक हैं जो कि कॉमन होते हैं, बाकी ऐसे टॉपिक होते हैं जो केवल मेंस में हैं, प्री में नहीं है। अगर उनकी तैयारी पहले कर ली जाए शांतिकाल में, शांतिकाल से मेरा तात्पर्य है कि जब वैकेंसी का कोई होला नहीं है तो ये शांतिकाल चल रहा है, अगर इस समय उन टॉपिक्स की तैयारी की जाए जो कि कॉमन नहीं है तो अपन औरों से आगे रहते हैं, क्योंकि इन टॉपिक्स को स्टूडेंट्स तब पढ़ना चालू करेंगे जब वे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे चुके होंगे और अपन इनको पहले ही पढ़ चुके हैं, तो तैयारी में हम एक कदम आगे रहते हैं। कहने को अपन बोलते हैं कि प्री नहीं निकली मेंस किस काम का, लेकिन यहाँ पर सारा खेल मेंस का है। आप खुद देखिए कि प्री में चाहे कितने भी मार्क्स, 200 में से चाहे 200 मार्क्स आ जाए या 200 में से आप यहाँ कट ऑफ पे हैं, आप भी मेंस देंगे ये भी मेंस देंगे, लेकिन जिन्होंने केवल प्रीलिम्स की तैयारी की है मेंस की तैयारी नहीं की है वो मेंस में पिछड़ जाते हैं, और जो पहले से तैयारी करके चल रहे होते हैं वो लोग मेंस को क्लियर कर निकल जाते हैं मेंस में। तो आज अपन ऐसे ही एक सिलेबस का सेगमेंट आधुनिक विश्व का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके ऊपर जल्दी आपको मटेरियल उपलब्ध रहेगा ताकि आपकी तैयारी में आप औरों से आगे पहुंच सकें। आधुनिक विश्व के इतिहास में दिखने में सिलेबस में आपको चार ही टॉपिक दिख रहे हैं, हैं भी चार ही टॉपिक, पुनर्जागरण एवं धर्म सुधार, प्रबोधन व औद्योगिक क्रांति, फिर एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, और लास्ट है विश्व युद्धों का प्रभाव। अगर इसको थोड़ा सा अपन गहराई से देखें तो पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, ये ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत लेंथी हैं। सबसे बड़े यदि लेंथी टॉपिक कोई है सिलेबस में तो पुनर्जागरण, धर्म सुधार, प्रबोधन है। कारण क्या है इसमें, इसमें बहुत सारे साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक निकल कर के आए थे तो उनके बारे में क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं, तो कौन से थिंकर के बारे में पूछ लिया जाए, तो बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ना पड़ता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक हो जाता है। पुनर्जागरण के बाद में धर्म सुधार आता है, प्रबोधन आता है जिसमें व्यक्ति को बोध हुआ, व्यक्तिवाद की बातें होने लग जाती हैं, समझेंगे अपन डिटेल में। फिर बात आती है औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इन सारे टॉपिक अपने आप में जुड़े हुए हैं। जब पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार हुआ, चर्च की सत्ता जितनी पहले बहुत सर्वोच्च मानी जाती थी उस सत्ता का थोड़ा पतन हुआ, प्रबोधन में व्यक्ति को अहमियत दी गई, व्यक्ति के लिए अधिकारों की बातें होने लगी, जब व्यक्ति में जागरूकता आई तो नए नए आविष्कार हुए, नए नए वैज्ञानिक आए, विलियम हार्वे, वेसेलियस, कोपरनिकस, ब्रूनो, गैलीलियो,
जिन्होंने नई नई खोजें की, जिसकी बदौलत और वैज्ञानिकों को प्रेरणा मिलती है। जेम्स वाट उनमें से एक था जिसने भाप के इंजन का आविष्कार किया और एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी, और वह फिर बड़ी संख्या में उत्पादन होने लगा तो औद्योगिक क्रांति हो गई। अब जब उत्पादन होने लगा तो अपने देश के लिए तो उन्होंने आपूर्ति कर दी उपभोक्ता की, लेकिन अब बड़ा उत्पादन कहाँ पे खपाया जाए, इसके लिए नए नए देशों की खोजें होने लगी। नए नए देशों में अपना आधिपत्य स्थापित करने लगी ब्रिटेन, या यूँ कहें कि यूरोपीय कंट्रीज। जब वो अपना आधिपत्य स्थापित करने लगे तो वही था साम्राज्यवाद। एक सिक्वेंस में जुड़ी ये चीज़ अपन बहुत बढ़िया से क्लियर होएंगी, तो वो हुआ साम्राज्यवाद। अब यूरोपीय कंट्रीज में औद्योगिक क्रांति होती है, अमेरिका भी यूरोप की बसाई हुई कॉलोनी था, तो यहाँ पे पढ़ना है अपने को एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद कैसे फैला, कौन कौन से देशों में। तो एशिया में इम्पोर्टेंस रखने वाला है तो जापान, जहाँ पे साम्राज्यवाद हालांकि फैल नहीं पाया, लेकिन एशिया में जापान के बारे में अपने को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा देश था जापान एशिया के अंदर जिसने दूसरे देशों पे भी अपना आधिपत्य जमाया। फिर साम्राज्यवाद का नया रूप आ गया। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद अलग नहीं है कहने को, लेकिन बहुत अलग है। साम्राज्यवाद का एक पार्ट है उपनिवेशवाद। जो उपनिवेशवाद है ये साम्राज्यवाद है, ये पूरा साम्राज्यवाद है, और ये एक छोटा सा पार्ट है उपनिवेशवाद। फिर इसी से कोयलेट करके अपन पढ़ेंगे वर्तमान की थ्योरी, नव साम्राज्यवाद। नव साम्राज्यवाद में अपन पढ़ेंगे कि न केवल है, जैसे साम्राज्यवाद माना जाता था कि बड़े क्षेत्र पे कब्जा कर लिया, राजा को जीत लिया, देश को जीत लिया, क्षेत्र को जीत लिया, अपना शासन स्थापित कर दिया। जैसे आधुनिक जो मॉडर्न हिस्ट्री अपन पढ़ेंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री एक प्रकार से पार्ट ही है साम्राज्यवाद का। ब्रिटेन का उपनिवेश भारत था क्योंकि वो अपना साम्राज्यवाद बढ़ाना चाहता था, उसके पास में जो माल बन रहा था उस, एक तो उसको कच्चा माल चाहिए था, दूसरा जो बड़ा बड़े स्तर पर जो उत्पादन हो रहा था उसको खपाने के लिए उसको नए नए क्षेत्रों की आवश्यकता थी। नव साम्राज्यवाद में क्या है, इसको हेजेमनी भी बोलते हैं, प्राधान्य का सिद्धांत भी बोलते हैं, जिसमें सांस्कृतिक रूप से भी साम्राज्य आधिपत्य जमाया जाता है, अपनी संस्कृति को फैलाया जाता है। जैसे अपन भारतीयों की बात करें तो ये वर्तमान में भारतीयों की, अगर भारतीयों की वेशभूषा थी पहले धोती कुर्ता चोला पजामा, लेकिन अब वो बदल चुकी है, अपन वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जो वेस्टर्न कल्चर है वो एक प्रकार से नव संस्कृतिवाद का, नव साम्राज्यवाद का ही, जब अपन बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बातें करते हैं तो उन्हें ऐसा प्राधान्य स्थापित कर लिया है। तो पूंजीपति क्या करते हैं, व्यक्ति के दिमाग की स्टडी करके उसको इस तरीके से अपने में ढाल लेते हैं कि वो उन्हीं के बारे में अच्छा सोचने लग जाता है, पूंजीपतियों के विरोध में नहीं आता है। जैसे बिरला मंदिर, उसमें बिरला जी की मूर्ति नहीं है कोई, लेकिन बिरला जी ने बनाया है तो एक अच्छी छवि बन गई उसके बारे में। तो ये पढ़ेंगे अपन नव साम्राज्यवाद में, नव उपनिवेशवाद। फिर बात आती है विश्व युद्धों का प्रभाव। दो विश्व युद्ध हुए अब तक, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945। तो विश्व युद्धों का प्रभाव पढ़ना है, कारण को अपने को पढ़ना नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए एक बार पृष्ठभूमि अपने को समझनी ही पड़ेगी कि कारण क्या रहे कि वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा। तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा वर्ल्ड वॉर का, नई नई, जब भी वर्ल्ड वॉर होता है तो नई शक्ति आ जाती हैं, नई शक्तियाँ उभर जाती हैं, नए नए क्षेत्र बन जाते हैं। तो और क्या क्या प्रभाव पड़ा वो अपन इसमें अपने को पढ़ना है। ये आधुनिक विश्व के इतिहास, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अपन यदि अभी से तैयारी करके चलेंगे तो औरों से आगे रहेंगे, जो लोग प्री देने के बाद में तैयारी करेंगे उनसे अपन खुद को आगे पाएंगे। थैंक्स।